हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, फ्री फायर में न्यू करेक्टर आने वाला है जिसका नाम है, होने वाला है यहाँ पे स्काइरल। तो अगर आपको नहीं पता था गाइस, तो मैं बता दूँ, स्काइरल इसका नाम होने वाला है। एंड उसी के साथ गाइस, आज इस वीडियो में हम उसकी एबिलिटीज चेक करने वाले हैं, क्या क्या उसकी एबिलिटीज यहाँ पे होने वाली है। और उसी के साथ गाइस, यहाँ पे इस करेक्टर की मैं आपको एक खासियत बता देता हूँ। इस करेक्टर की गाइज यहाँ पे दो दो एबिलिटी होने वाली है, ठीक है। बाकी करेक्टर की अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ गाइज की दो नहीं होती है, ठीक है, एक एबिलिटी होती है। बट इस करेक्टर की यहाँ पे दो दो एबिलिटीज है गाइज, वो भी बहुत ही खतरनाक। तो गाइज हमें लगता है कि भाई ये डीजे आलोक एंड कोरोनो करेक्टर को फाइट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो वही आपको इस वीडियो के अंदर बताना है गाइज। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है, उसके बाद अपना मुझे जो डिसीजन है, ठीक है, आपको क्या लगता है तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये करेक्टर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे गाइज दिखने वाला है, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। एंड इसी के साथ गाइज, जो अपना स्काइरल करेक्टर होने वाला है, तो इसकी आप यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर ने कोलेब्रेशन कर दिया है। एंड इसी के साथ इस करेक्टर को जब लॉन्च किया जाएगा तो वो टाइम मैं आपको बता देता हूँ, OB26 जब आएगा तो उस टाइम पर यहाँ पर इस न्यू करेक्टर को लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गाइज आप सभी को रेडी रहना है उस टाइम के लिए। एंड ये करेक्टर आपको गाइज डायमंड में मिलेगा या फिर फ्री में, तो वो तो गाइज टाइम पे आपको पता चल जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है तो गाइज शायद आपको 100 डायमंड के टॉपअप में ये देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी एबिलिटी की बात कर लेते हैं गाइज इसकी, एंड यहाँ पे पूरा गेम प्ले चेक करके आपको बताते हैं कि इसकी एबिलिटी को कैसे यूज़ करना है एंड ये कितनी यूजफुल रहने वाली है, क्या ये डीजालो को पीछे करेगी, क्रोनो को पीछे करेगी, तो वो तो भाई आपने मुझे कमेंट में बताना है। बाकी मैं भी आपको बताऊँगा कि मुझे क्या लगता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मतलब मैं ग्लू वॉल यूज़ करता हूँ, देखो मेरी 31 हेल्थ है। और जैसे गाइज मैं यहाँ पे एक और ग्लू वॉल यहाँ पे लगाता हूँ, देख सकते हो, तो यहाँ पे गाइज मेरी जो हेल्थ है वो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो मतलब स्किल्स है गाइज, वो ग्लू वॉल पे ही डिपेंड करती है दोनों की दोनों। तो ये तो गाइज मैं आपको अभी एक ही स्किल दिखा रहा हूँ जिसमें कि मैं 3 ग्लू वॉल पे अपनी मतलब कि 2 ग्लू वॉल पे मैं अपनी 31 की हेल्थ को जो है 200 ले जा सकता हूँ। मतलब कि 3 ग्लू वॉल से मैं 100 हेल्थ को अपनी जो है गाइज 200 पे ले जा सकता हूँ, अगर आपके पास 3 ग्लू वॉल है। और मेडिकिट अगर आपके पास नहीं है तो आपकी हेल्थ यहाँ पे देख सकते हो, मेरी हेल्थ बिल्कुल ही खत्म थी, बट मेरे पास अगर 3 ग्लू वॉल मैंने जैसे ही लगाई तो मेरी हेल्थ आप देख सकते हो यहाँ पे 100 कुछ यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो ये थी गाइज इसकी पहली स्किल, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ पहली स्किल की बात की है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, तो क्योंकि डीजे आलोक का काम भी यही है। और लेकिन डीजे आलोक के लिए आपको ग्लू वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें आपको ग्लू वॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज अभी हम बढ़ते अपनी दूसरी स्किल जो इसकी है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो आपको गाइज साइड में एक और एरो देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी आपको इस टाइम पे जो है लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल मैप के साथ में आप देख सकते हो, एक आपको फायर का बटन दिख रहा होगा। तो गाइज जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और जिधर को भी मेरी रेंज होगी तो उस साइड को ये जैसे ही फायर करेगा तो जितनी भी आगे तक ग्लू वॉल होगी 20-30-40 मीटर तक, तो गाइज ये उसको पूरा ही फाड़ देगा, ठीक है, मतलब एक ही शॉट में फाड़ देगा। तो यहाँ पे अभी आप देखते चलो, तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 ग्लू वॉल लगा दी है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैंने इस एबिलिटी को यूज़ किया तो ये आप देख सकते हो तीनों की तीनों ग्लू वॉल गाइज यहाँ पे फट चुकी है, जैसा कि आप देख सक रहे हो। और जैसे ही मैं खुद ग्लू वॉल लगाऊंगा तो मेरी हेल्थ बढ़ेगी, दूसरे की ग्लू वॉल फाड़ने के लिए भी यहाँ पे स्किल दे दी गई है। मतलब कि गाइज एक तीर से दो निशाने वाला काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, मतलब कि आप अपनी ग्लू वॉल से अपनी हेल्थ बढ़ाओगे एंड दूसरे की ग्लू वॉल आप भी आप इससे फाड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे गाइज दूसरे की ग्लू वॉल फाड़ने के लिए आपको थोड़ा सा, एक बार जब आप फाड़ लोगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बट गाइज अपनी हेल्थ आप कभी भी बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास 20 ग्लू वॉल है तो आपको मेडिकेट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ग्लू वॉल लगाते चलो, आपकी हेल्थ बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से गाइज मुझे लगता है कि अगर आपके पास बहुत ग्लू वॉल है, आपके पास ग्लू वॉल वाला पेट है, तो गाइज आपको, मेरे को लगता है भाई इस करेक्टर से अच्छा करेक्टर आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि गाइज उस पेट से आप देखो ग्लू वॉल बना सकते हो, अनलिमिटेड ग्लू वॉल बना सकते हो एंड आखिरी जोन में आप मतलब ग्लू वॉल लगाते जाओगे। और अगर आपको कोई मार भी रहा है, अगर आपको लग भी रही है, तो गाइज इससे आपकी 3 ही ग्लू वॉल में पूरी हेल्थ हो जाएगी। तो मेडिकेट अगर नहीं भी है तो बहुत ही अच्छा है, बट नहीं है तो भी चलेगा गाइज, ठीक है। तो इस तरह की कुछ इसकी स्किल है। मुझे लगता है गाइज डीजे आलोक को एंड कोरोनो को फाइट दे सकता है, बट गाइज बाकी तो यार आपको पता ही है, अपनी जगह पे हर एक करेक्टर बढ़िया है, लेकिन अब बाकी आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि मेरे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा करेक्टर सबसे बेटर होगा।
बट अगर आपके पास ग्लू वॉल वाला पैट है तो मुझे लगता है यही अच्छा होगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर लेना एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज, ठीक है। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज वीडियो को फुल वॉच करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेना ताकि उनको भी न्यू करेक्टर के बारे में पता चल जाए। तो मिलते हैं आप सभी से गाइज बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक की और वीडियो चाहिए तो गाइज कमेंट में ज़रूर बताना। तो ओके गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।